नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए अब एक नजर डालते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर पर फटाफट अंदाज में। कोटा के जेके लोन हॉस्पिटल में एक माह से 100 से अधिक बच्चों की मौत के मामले में अब केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई। इसको लेकर अब केंद्र सरकार का एक दल शुक्रवार को कोटा पहुंचेगा और लगातार हो रही मासूमों की मौत की समीक्षा करेगा। इस टीम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों सहित एम्स जोधपुर के डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे। यह दल बाल चिकित्सा सेवाएं, कर्मचारियों और उपकरणों की उपलब्धियों की समीक्षा करेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार के साथ मिलकर एक संयुक्त कार्य योजना भी बनाई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। एनआरसी और सीए को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर में बीजेपी के जन जागरण अभियान में शाह शिरकत करेंगे। प्रदेश में कांग्रेस के शांति मार्च को गहलोत के गढ़ जोधपुर में अमित शाह की रैली के जरिए करारे जवाब के रूप में देखा जा रहा है। इस रैली में पार्टी 1,00,000 लोगों को जुटाने के दावे किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 12 बजे तक जोधपुर पहुंचेंगे। शाह यहां प्रताप नगर स्थित आदर्श विद्या स्कूल में आम सभा को संबोधित करेंगे। जयपुर में मास्टर साहिल लहेरी ने बताया कि जयपुर में अक्षरधाम सर्किल चित्रकूट वैशाली नगर में 26 जनवरी 2020 को डांस का एक फर्स्ट ऑडिशन किया जाएगा। जिसमें स्कूल व कॉलेज के व राजस्थान के सभी जिलों में छुपे टैलेंट को हम लोगों तक लाएंगे और हम साथ चाहते हैं कि जयपुर ही नहीं राजस्थान से भी डांसर अपना अपना टैलेंट मुंबई तक दिखाए। वहीं डांस चैंपियन लीग के डायरेक्टर अमित लहरी ने सभी से निवेदन किया कि प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। सेमीफाइनल 2 फरवरी 2020 को जयपुर में ही किया जाएगा। फाइनल में जजेस होंगे इंडिया गॉट टैलेंट के विनर। नागौर के जैल में तहसील डे गांव में स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आम सभा का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता गोपाल छाबा ने बताया कि आम सभा गांव के विकास के लिए सरपंच प्रत्याशियों को एक मंच पर बुलाकर गांव की मूलभूत समस्या सरपंच प्रत्याशियों के सामने मांग पत्र रखा। नवनिर्वाचित सरपंच जो चुनकर आएगा वह इन दिनों सभी समस्याओं का निस्तारण करेगा। सभी सरपंचों ने इस मांग पत्र को स्वीकार किया और गांव के विकास के लिए हर संभव पूरा प्रयास कर भरोसा भी दिया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। डोडा भीम उपखंड के नांगलेश्वर में एक दिवसीय पुरुष सुडा दंगल का आयोजन हुआ। दंगल में सुडा गायन पार्टियों में मीडियाओं द्वारा धार्मिक पौराणिक रचनाएं सुनाकर उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्थानीय निवासी गोविंद साय मीणा ने बताया कि दंगल में सर्वप्रथम मीडियाओं के द्वारा भवानी मनाई गई। वहीं आयोजित दंगल में हरकेश मीडिया मनेमा ने महाभारत कथा प्रसंग व खुशीराम कुड़गांव सपोटरा ने राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाकर उपस्थित श्रोताओं की खूब वाहवाह लूटी। सूरतगढ़ के शोपुरा कसी निकटवर्ती गांव मानकसर में बुधवार को अनूपगढ़ सड़क मार्ग पर झाड़ियों में मिले सेना के बम का गुरुवार को निरोधक दस्ते ने बिर्द गांव वालों के टिब्बों में ले जाकर बम को डिफ्यूज कर दिया। बुधवार को ग्रामीणों ने सड़क किनारे झाड़ियों में एक लावारिश बम देखा था। सिटी थाना पुलिस ने बम के बारे में प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन की सूचना पर गुरुवार को सेना की बम डिफ्यूज करने वाली टीम ने बम को अपने कब्जे में लेकर बिरदवाल के टीबों में ले जाकर उसे डिफ्यूज कर दिया। जालौर के आहोर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर के जन्मदिन पर आहोर विधायक छगन सिंह राजपूत सहित आहोर विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ता उनके फार्म हाउस बैडल पहुंचे, जहां राजस्थानी परंपरागत साफा बांधकर माला से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का सम्मान किया गया। आहोर विधायक व सुमेरपुर विधायक ने ओम प्रकाश माथुर से जल संरक्षण के बारे में बात की। बीजेपी उपाध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि सीडब्ल्यूसी मीटिंग में गजेंद्र सिंह शेखावत से मैं बात करूंगा। जोधपुर में ग्रामीण पुलिस ने साल भर की गतिविधियों को लेकर मीडिया से रूबरू हुई और साल भर में हुई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल बारेट ने बताया कि वर्ष 2019 में कुल 4109 प्रकरण दर्ज हुए, जो कि 2018 की तुलना में 44.14% अपराध में वृद्धि हुई है। वहीं आर्म एक्ट के तहत 17 वर्ष में 26 व
2018 में 21 और वर्ष 2019 में 37 केस दर्ज किए गए, जबकि एनडीपीएस एक्ट के तहत वर्ष 17 में 81, 18 में 110 तथा वर्ष 19 में 132 केस दर्ज किए। सिरोही में पंचायती राज चुनावों को लेकर तैयारियों को लेकर नवनियुक्त जावाल मंडल अध्यक्ष नारायण सिंह देलदर ने के नेतृत्व में बुधवार को बरलूट रोड पर एक निजी गार्डन में मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित ने कहा कि प्रदेश में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने जो महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से कार्य करवाए थे उन्हें ग्रामीणों तक पहुंचाने के साथ ये भी बताएं कि वो सभी कार्य आज चारों खानों चित दिखाई दे पड़े। पूर्व जिला अध्यक्ष लोम्बाराम चौधरी ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर एक बार फिर प्रधान व जिला प्रमुख बीजेपी का बनाने का आह्वान किया। साथ ही पंचायती राज चुनाव प्रभारी योगेंद्र गोयल व पूर्व जिला अध्यक्ष कमलेश दवे ने भी बैठक को संबोधित किया। सिरोही में खेतेश्वर सेवा संस्थान चेन्नई के तत्वाधान में आयोजित समारोह में कैलेंडर का विमोचन किया गया। इस दौरान संस्था संरक्षण व कालेंद्री बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष फुलाराम पुरोहित चडवाल व संस्थान के अध्यक्ष महेंद्र कुमार मेर मंडवाड़ा का राजपुरोहित समाज के साथ संस्था के पदाधिकारियों का नव परगना समाज सिरोही द्वारा उनका स्वागत किया गया। जालौर के मोदरान में स्थानीय आदर्श प्राथमिक चिकित्सालय परिसर में गुरुवार से 10 दिवसीय आज से आगामी 11 जुलाई तक राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क आयुर्वेद विभाग के तत्वाधान में आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर जगदीश शर्मा, डॉक्टर रमेश वैष्णव व आयुष विभाग के कर्मी व ग्रामीण भंवर सिंह, माल सिंह, लादूराम सहित कई जने उपस्थित रहे। भीलवाड़ा में माहेश्वरी प्रोफेशनल फोरम जिला माहेश्वरी एवं श्रीनगर माहेश्वरी सभा भीलवाड़ा के तत्वाधान में 5 जनवरी 2020 रविवार को पहली बार युवा लेखक व उपन्यासकार थ्री इडियट फ्रेम के चेतन भगत सहित 15 जानी मानी राष्ट्रीय हस्तियां भीलवाड़ा में शिरकत करेगी। राष्ट्रीय स्तर के करियर व मोटिवेशनल कार्यक्रम संपदन 2020 में 9वीं से 12वीं कक्षा तक कॉलेज के विद्यार्थियों से रूबरू होकर अपने भविष्य व करियर गाइडेंस व मोटिवेशन देंगे। भीलवाड़ा जिले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता में एसपी हरेंद्र मावर ने 2020 के पुलिस प्राथमिकता की जानकारी दी, तो वहीं 2019 में जिले के बड़े अपराध के ग्राफ पर भी पत्रकारों से चर्चा की। इस मौके पर एसपी महावर ने 2020 में जिले के सड़क सुरक्षा के लिए सकारात्मक प्रयास के साथ जन जागृति योजना के बारे में बताया। वहीं त्योहारों और उत्सव के शहर में सौहार्द का माहौल बनाए रखने में सामाजिक संगठनों का आभार भी जताया। एसपी हरेंद्र महावर ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि नूतन वर्ष में जिले में सभी थानों में स्वागत कक्ष तैयार करवाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि तकनीकी दक्षता पर भी काम किया जाएगा और आने वाले दिनों में पुलिस थानों में ऑनलाइन रोज नामचा चलाया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीपीके न्यूज। एक बार फिर आप सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।